हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी 10 में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत छोटा है लेकिन वैल्यूएबल है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 9 दिन में इस साल आपको कौन कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं। तो अगर आपको भी है कन्फ्यूज़न और आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि 2022 में हर एक नवरात्रि के दिन आपको कौन से रंग का ड्रेस पहनना है, तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको हर एक दिन कौन कौन से रंग का ड्रेस पहनना है। तो माता रानी के भक्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हर साल नवरात्रि का त्यौहार अपने साथ खुशी और उमंग लेकर आता है। बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी इसमें शामिल होते हैं, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी, और हर एक बहुत खुश होता है। अब नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में जो 9 रंग के विशेष कपड़े पहने जाते हैं, उनका बहुत महत्व होता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 9 रंगों के बारे में बताने वाले हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि किस नवरात्रि के दिन आपको कौन से रंग का कपड़ा पहनना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पहला दिन, दोस्तों, नवरात्रि का डे 1 है 26 सितंबर, और उस दिन है सोमवार। उस दिन आपको पहनना है व्हाइट यानी कि सफेद रंग का ड्रेस। तो अगर आपके पास व्हाइट कलर का ड्रेस नहीं है तो जल्दी से कीजिए उसे स्टिच। नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि डे 2, दूसरे दिन पड़ रहा है मंगलवार और डेट है 27 सितंबर। उस दिन आपको पहनना है लाल रंग का पोशाक। कोई सा भी लाल रंग का ड्रेस आप स्टिच करके, या फिर मार्केट में तो आजकल रेडीमेड ड्रेस भी बहुत उपलब्ध है, उसे घर ले आए और पहन ले और देवी की पूजा करें। तीसरा दिन डे 3, उस दिन पड़ रहा है वेंसडे यानी कि बुधवार, और तारीख रहेगी 28 सितंबर। इस दिन आपको पहनना है रॉयल ब्लू यानी कि डार्क ब्लू कलर का एक कलर होता है, जिसे हम शाही नीला रंग हिंदी में बोलते हैं, उस रंग का ड्रेस आपको पहनना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फोटो इसलिए दिया गया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन कलर चूज करने में ना हो। तो जानते हैं नवरात्रि का अगला कलर। नवरात्रि का चौथा दिन यानी कि डे 4, सितंबर 29, गुरुवार का दिन है। इस दिन आपको पहनना है खूबसूरत पीले रंग का पोशाक। पीला रंग वैसे भी देवताओं का रंग माना जाता है, तो दोस्तों, चौथे नवरात्रि के दिन खुशी खुशी येलो कलर के ड्रेस को पहनें और देवी की अर्चना करें। डे 5 यानी कि नवरात्रि का पांचवा दिन, दोस्तों, इस दिन आपको पहनना है ग्रीन कलर, जो कि प्रॉपर ग्रीन हरा रंग आता है, वही कलर जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने कलर्स सिलेक्ट करके बिल्कुल डेफिनेटली दिखा दिए हैं। इस दिन पड़ रहा है 30 सितंबर और शुक्रवार। वैसे भी शुक्रवार के दिन हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है, तो ये तो हो गया सोने पे सुहागा। तो जल्दी से तैयार कर लीजिए अपनी ग्रीन रंग की ड्रेस नवरात्रि के पांचवें दिन पहनने के लिए। छठा दिन डे 6, इस दिन पड़ने वाला है 1 अक्टूबर और शनिवार का दिन है। इस दिन आपको पहनना है ग्रे कलर का ड्रेस, जो कि समथिंग समथिंग व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको कलर चूजिंग में कोई कंफ्यूजन है तो क्लियरली आप स्क्रीन पर कलर्स को देख सकते हैं, ये कलर का ड्रेस आपको पहनना है। ग्रे कलर का ड्रेस पहनकर आप देवी की पूजा करेंगे तो आप अपना मनवांछित फल जरूर पाएंगे, हमारी देवी माँ से यही प्रार्थना है। डे 7, नवरात्रि का सातवां दिन, दोस्तों, इस दिन आपको पहनना है ऑरेंज यानी कि केसरिया कलर का ड्रेस। ऑरेंज कलर को वैसे हम भगवा रंग के नाम से भी जानते हैं, और ऑरेंज कलर मराठा साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध है और इसका बहुत मान होता है। कुछ बिहारी लोगों में ऑरेंज कलर का सिंदूर भी मांग में भरा जाता है, और ऑरेंज वही कलर है जो कि हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को हम ऑरेंज कलर का सिंदूर चढ़ाते हैं, और ऑरेंज मेहंदी का भी रंग होता है, इसीलिए ऑरेंज कलर बहुत ही शुभ और खास माना जाता है। तो दोस्तों, संडे के दिन 2 अक्टूबर को सातवें नवरात्रि के दिन जरूर जरूर ऑरेंज कलर पहने और छा जाए पूरी दुनिया पर। आठवां दिन डे 8, इस दिन है सोमवार, महादेव का दिन है, और अक्टूबर 3 डेट रहेगी। इस दिन आपको पहनना है पिकॉक ग्रीन कलर,
ध्यान रहे ग्रीन कलर और पिकॉक ग्रीन कलर दोनों ही थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट माइनर डिफरेंस है। तो कलर समझने के लिए स्क्रीन पर आपको कलर दिखाया गया है, आप इस कलर का कोई सा भी खूबसूरत ड्रेस पहन सकते हैं और सबके दिलों पर राज कर सकते हैं। हमारी ये आशा है कि इस दिन देवी आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करे। आइए दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिरी दिन यानी कि नवे दिन आपको कौन से रंग का ड्रेस पहनना है। नवे दिन पड़ रहा है मंगलवार और 4 अक्टूबर तिथि है। इसके साथ ही 9 तारीख पड़ने वाली है, 9 नवरात्रे और 9 तारीख, ये भी एक संयोग ही है। तो अब आप जानेंगे कि नवे दिन आपको कौन से कलर का स्पेशल ड्रेस पहनना है। तो नवे दिन आपको पहनना है लड़कियों का सबसे फेवरेट कलर, पिंक कलर। जी हाँ दोस्तों, पिंक कलर का ड्रेस सिलवाइए और उसे बहुत अच्छे से तराश कर पहनिए ताकि आप दिखें बेहद खूबसूरत, और ऑलरेडी पिंक कलर लड़कियों पर खूब खिलता है। तो दोस्तों ये थे नवरात्रि के वो 9 रंग जिन्हें हमने आपको बताया और साथ ही स्क्रीन पर उनका पिक्चर भी दिखाया ताकि आपको कलर चूज करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देवी माँ से यही प्रार्थना है कि आने वाले नवरात्रि 2022 आपके लिए सबसे अच्छे साबित हों और इन दिनों में आप बहुत सारी नई चीजें सीखें और ऊंचाई के शिखर को चूमें। मिलेंगे हमारे न्यू एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो के साथ। जाते जाते सिर्फ यही कहेंगे कि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जय माता दी।